एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं अपने व्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग से। मॉर्निंग में मैं कोई शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मॉर्निंग से रोज़ करती हूँ, तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करूँगी इवनिंग से। तो इवनिंग में मतलब मैं दोपहर को सो गई थी थोड़ी देर, फिर उसके बाद उठी, उसके बाद में मैंने उठने के बाद में मेरा थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था वो मैंने सही मतलब ख़त्म किया, और उसके बाद में मैंने पिए मतलब इवनिंग की चाय भी पी ली है मैंने। और अब टेंशन हो रही है थोड़ी सी, हस्बैंड घर पे है नहीं, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोपहर तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, और अब मतलब नहीं पता कि क्या बनाऊँगी। अब बस वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, वो आए और उनसे पूछूँ, अगर नहीं आए या नहीं बताया तो बच्चों से पूछूँगी, क्योंकि क्या फ़ायदा है किसी की भी ना पसंद की हो सब्ज़ी। अब वही है ना, दो बंदे घर में होते हैं तो दोनों की पसंद अलग अलग होती है। अब एक बार को हम लोग बड़े हैं, हम तो अपना देख भी लेते हैं, चलो भाई ये बनाए खा लेते हैं कोई नहीं, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो खाना खाते हैं, बाहर खाने में रह जाते हैं इधर उधर का खाना खा के। और ये देखो मेरे पीछे खड़ा हुआ है ये नोटी नोटी बॉय। तो अभी देखो एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक तो गाइस देखा ना, मतलब एरोप्लेन दिखाया मैंने आपको, दिखा नहीं होगा शायद, थोड़ा सा दिखाया क्योंकि मुझे ही कम दिखा था। तो जैसा कि मैं बता रही थी, मैंने कहा हमें ना मतलब बचपन में बहुत क्रेज था एरोप्लेन देखने का, सभी को होता है, आप लोगों को भी होगा, बट मेरे को तो अभी भी है। मेरी थोड़ी थोड़ी ना हैबिट्स मतलब बच्चों जैसी हैं अभी भी, तो मुझे एरोप्लेन देखना बहुत पसंद है। कैंडी मतलब जो टॉफी होती है वो खाना बहुत पसंद है, चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी जो बच्चों से मतलब मैच करती हैं, तो ऐसे होना भी चाहिए ना, क्योंकि मैंने सुना है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, और जिसके अंदर का बच्चा मर जाता है ना, वो इंसान बस जीता है। तो इसलिए अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, करना चाहिए जैसे कि मैं करती हूँ। तो चलिए बक बक बहुत हो गई, अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। आप लोगों का थैंक यू करती हूँ मैं दिल से, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, और आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट्स होते हैं ना, उनको पढ़कर तो बस दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही बने रहिएगा मेरी वीडियो में और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, आपकी अनु को। तो गाइज़ मैं अब किचन से रूम में आ गई हूँ, और किचन में मेरे काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे जो दोपहर के खाने के थे, और खाना खाने के बाद में हम लोगों ने चाय भी पी थी मतलब। तो वो भी मैंने अब साफ़ करके रख दी, किचन मेरी एकदम क्लीन हो गई, और अब मेरे को बस सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में। बट अभी मुझे पता नहीं क्या बनाना, जब भी बनाना होगा तो बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी देर के लिए ऊपर भी घूम कर आया जाए, तो चलेंगे फिर आप मेरे साथ में, बताइए, चलूँ लेकर आपको? चलिए फिर चलते हैं। ओके, तो चलिए गाइज़ फिर हम लोग चलते हैं ऊपर, आ जाइए। देखिए मैं छत पे आ चुकी हूँ, और कितना अंधेरा हो रहा है ना यहाँ पे, देखो गाइज़ यहाँ पे हो रहा है बहुत सारा अंधेरा, और मैं चल रही हूँ अब घर, मुझे बनाना है जाकर के खाना। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे,
अब ज़्यादा देर मुझे रुकना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे मुझे दिखाना था। ये देखो पूरी छत है यहाँ पे, इधर इधर इधर, और यहाँ तो उजाला है क्योंकि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। और ये देखो यहाँ सारी जगह पे अंधेरा है, ये देखो है ना, ये देखो। और ये इधर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग में तो लाइट है, जहाँ पे लाइट होती है वहाँ अच्छा लगता है, और जहाँ पे लाइट नहीं होती है वहाँ अंधेरा लगता है और मन भी नहीं लगता। तो अब मुझे चलना है घर पे क्योंकि मुझे बनाना है खाना, और मैं जाऊँगी थक, यहाँ ज़्यादा घूमूंगी तो। तंशु आओ, चलो आ जा, जा। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। चलो चलते हैं। छोड़ 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 छोड़, अच्छा छोड़। देखिएगा इसने नहीं घूमने दिया मेरे को, अभी ऊपर में घूमने वाली थी छत पे छोटी, बट इसने नहीं घूमने दिया। ये देखो कितने अच्छे डेकोरेशन हो रखे है यहाँ पे, ये देखो दिख रही है। हाँ कुछ लोगों ने सामान मतलब अपने घर के बाहर रखे हुए हैं जो शिव रैक होते हैं, और ये कूलर है पुराने और शिव रैक है। तो ये देखिए गाइस, आटा मैंने भिगो के रख दिया है, और आज मेरे को अभी तो सब्जी नहीं बनानी है, बाद में देखती हूँ। अभी मेरे को बनाने हैं पराठे, सिंपल पराठे अपने बच्चों की डिमांड पे। तो चलिए हम चलते हैं रूम में और दिखाती हूँ मैं आपको क्या। तो गाइस अभी अभी मैं किचन से आ रही हूँ और खाना मेरा बन चुका। खाने में मैंने बनाया पराठे अचार के साथ में, सब्जी रखी हुई थी। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए तंशु को मैंने दे दिया है खाना डाल करके। तंशु हेलो, दबी को पीछे हटा और अभी प्लेट में बैठने को तैयार है। ये देखिए, और ये ना नमक, उसके नमक के पराठे हैं और अचार के साथ खा रहा है। तो नमक के पराठे गरम गरम अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर, मैं अभी थोड़ा सा काम है मेरा किचन का, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं जिसमें मैंने आटा गूंथा परात रखी हुई है। तो चलो फिर मैं बर्तन साफ कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलिए फिर, किचन का काम मेरा खत्म हो चुका है और अब मैं चलती हूँ रूम में, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए अब मैं रूम में आ चुकी हूँ और देखो मेरा पसीने का क्या हाल हो रहा है, और एसी चल रहा है और मुझे ऑर्डर मिल रहा है कि मम्मी गेट बंद कर दो। तो चलिए मैं गेट बंद कर देती हूँ, इनकी भी गलती नहीं है भाई, इतनी गर्मी है। और अब खाना हमारा हो ही गया, ऋतिक अभी खा नहीं रहा है, ऋतिक को भी भूख नहीं लगी है। और मैडम जी आप अभी नहीं खा रही, अभी नहीं खा रही, तंशु ने खाया है। और मेरी हालत ख़राब है, देखो मैं फ़ैन चला के रखती हूँ किचन का, फिर भी मुझे इतनी गर्मी लगती है, पसीने में नहा रखी हूँ पूरी तरह से। तो अब क्या, अब तो बस सारा काम ख़त्म हो गया, बर्तन भी साफ हो गए, किचन भी साफ हो गई। और रात हो रही है, रात के बज रहे, कितने टाइम हो रहा है जानवी? अभी मैं रूम में हूँ, घड़ी बाहर लगी, कितने बजे? झूठ मत बोल, अभी नहीं हुए हैं, 10:25 हो गए गाइस, मुझे लग रहा है मैंने कहा अभी 9:30 हुए हैं सिर्फ। टाइम भी ऐसे ही निकल जाता है। तो अब क्या किया जाए, अब अपने ब्लॉग का हमें यहीं पर एंड करना चाहिए। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहती हूँ, हेयर केयर टिप्स दूँ। तो चलिए बताई देती हूँ कि हम लोग जो मतलब ऑयलिंग करते हैं हेड वॉश करने से पहले करते हैं ना, तो वो हेड वॉश करने से पहले हमें नहीं करनी चाहिए। तो पता है क्यों? क्योंकि हेड वॉश करने से पहले अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो कुछ तो हमारे मतलब ऑयल आया रहता है सर के अंदर, है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी होती है सर में। तो हमें ऑयलिंग करनी चाहिए हेड वॉश करने के बाद में, उससे क्या होगा, उससे हमारे बाल जो मतलब हेल्दी रहेंगे और शाइनी रहेंगे और लॉन्ग भी होंगे, स्प्लिट एंड भी नहीं होंगे और रफ़ी भी नहीं होंगे, ठीक है, स्मूथ रहेंगे और कंडीशनिंग भी रहेगी उनके बालों के अंदर, ठीक है। तो बस ये था मेरा हेयर केयर टिप्स। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। मेरे चैनल पर मिलेगा आपको क्या, ब्यूटी, फैशन, डाइट, और वो भी सिंपल फाइट। तो ये देखिए गाइस, ये है फालूदा कस्टर्ड शेक। तो ठीक है फिर, अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, स्पून लेके आता नहीं, स्पून लेके आ। तो देखिए ये है, देखिए खोल दो तेरा भाई,
तो ये लीजिए, मैंने ओपन कर दिए हैं दोनों ग्लासेस। और ये रही स्पून, और लीजिए मैं सबसे पहले आप लोगों को खिलाती हूँ चिली कस्टर्ड, ठीक है? ये लीजिए। तो ठीक है, चलिए फिर हम खाते हैं अपना कस्टर्ड। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा मेरी वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, ठीक है? तो करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।